हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ DSSB जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट कोड 44/21 का जो आज पहला एग्जाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट में था, उसका एग्जाम रिव्यू मैं आपको यहाँ पे दूँ। कुछ मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसे पिन कर दूँ। और हाँ, इसके रिगार्डिंग मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह। सबसे पहले मतलब ऊपर से आते हैं, पेपर का ओवरऑल अगर देखें तो मॉडरेट मॉडरेट था। मतलब 10 में से अगर मैं 10 को हार्ड दूँ और 1 को ईजी दूँ तो 10 में से आप 6.5 बोल सकते हो। ये है यहाँ पे पेपर का लेवल, क्योंकि 10th बेस का है। जैसे आपका 2018 में मेडिकल रिकॉर्ड किलर का हुआ था उसी के जैसा है। ठीक है, अभी आपको जो क्वेश्चन देखोगे उसी से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे देख लेते हैं रीजनिंग का सेक्शन है। रीजनिंग के सेक्शन में अल्फाबेट सीरीज, जो कि DSSB हर बार देती है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज काफ़ी अच्छे से कर लेना, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज, इसके काफ़ी क्वेश्चन हर बार आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से इस बार 3-4 को क्वेश्चन थे, नहीं तो सिटिंग अरेंजमेंट से जनरली DSSB में ज़्यादा नहीं आते हैं। डायरेक्शन से यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे और बाकी भी थे। एक वो था आपका कथन निष्कर्ष के भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद मैथ में एक सवाल था यहाँ पे, 1625 को अगर हम डिवाइड करेंगे 24 से तो क्या वहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो आ गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर कह रहा हूँ शेषफल। ठीक है, उसके बाद CISI से यहाँ पे 3 को क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जीके में यहाँ पे सबसे पहले पूछा सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आया था यहाँ पे। ठीक है, मिरर फॉर्मूले की कोई डेरिवेशन पूछी थी, वो यहाँ पे आया था। ठीक है, रोकटोम किस स्टेट, ये मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया, मैंने गूगल पे भी कराए नहीं, मुझे तो मिले नहीं। रोकटोम से कोई क्वेश्चन था, रोकटोम फर्नांडिस ऐसी करके कुछ क्वेश्चन था। ये कौन से स्टेट के हैं, मतलब मुझे बाद में चला इंडिया के ही है क्या ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पे है। ठीक है, ईस्ट इंडियन एंट्री गेट कौन सा है, ठीक है ये यहाँ पे बताना था। ठीक है, सेडल पीक कहाँ पर है। उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे, डोगरी बोडो को कौन से संविधान संशोधन में शामिल किया, एक मुझे बच्चे ने भेजे हैं एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पूछा था कि कहाँ पे है। मालवा कल्चर है, जो मालवा संस्कृति कहाँ की है वो। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट ईयर यहाँ पे आपको बताना था। इंग्लिश में देख लेते हैं, पैराग्राफ तो था ही पास वो। ठीक है, एंड में आता है पैराग्राफ हिंदी और इंग्लिश में। एडेप्ट का यहाँ पे वो पूछा था एंटोनिम्स। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे सर्वनाम के क्वेश्चन थे, वाक्य की अशुद्धि करनी थी। ठीक है, अशुद्धि को ठीक करना था। ठीक है, पर्यायवाची थे कुछ हैं, विशेषण थे और पैराग्राफ तो सही। पैराग्राफ मतलब इजी था, मतलब अगर मैंने आपको बताया पेपर काफ़ी मतलब टफ नहीं था, जैसे DSSB के हर बार पेपर में कैलकुलेटिव मैथ आती तो इसमें ज़्यादा नहीं थी क्योंकि 10th बेस पे था, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब इसके यहाँ पे 16 तारीख तक एग्जाम है, 9 तारीख तक तो कंटिन्यूस है, फिर यहाँ पे सीधा 16 का यहाँ पे एग्जाम है। तो जैसे जैसे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको रिव्यू देता रहूँगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना तो कर लेना, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।